और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जिसको लेकर जबरदस्त बवाल था, जिस गिरफ्तारी को लेकर आखिरकार ये फैसला लिया गया कि रिहाई हो। अब कोर्ट की तरफ से भी उसकी रिहाई की बात कह दी गई है। अजनाला कोर्ट से लवप्रीत की रिहाई का आदेश आ चुका है। कल ही हालांकि पुलिस की तरफ से कहा गया था कि सबूतों का अभाव है, सबूत मिले नहीं, जिसके बाद उसे रिहा किया जाएगा। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार जब सबूत थे नहीं तो गिरफ्तारी किस आधार पर हुई थी, और अब जब गिरफ्तारी हुई है तो उसके बाद सबूत इकट्ठा क्यों नहीं कर पाए? क्या इन परिस्थितियों के लिए, शुभांकर, जो कल हमने देखी बैरिकेड तोड़कर जितनी संख्या में लोग आए, क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी कि ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसी जानकारी थी तो इंतजाम क्यों नहीं किए गए? क्यों 6 पुलिस वाले घायल हो गए? नहीं, ये डर भी दर्शाता है, ये पंजाब में कानून व्यवस्था क्या बची है उसको लेकर सवाल खड़े करता है, क्योंकि इस तरह से मॉब अगर आती है, पुलिस वालों को पीटती है, हाथों में हथियार लेती है और उसके बाद अंदर एक व्यक्ति को छुड़ाने जाती है, तो ये दर्शाता है कि पंजाब में स्थिति कितनी सेंसिटिव है। और यही वजह है कि आज तमाम लोगों ने होम मिनिस्ट्री से अपील की कि इसको जल्द से जल्द यहाँ पर अगर कोई खालिस्तानी ताकतें हैं तो न्यूट्रलाइज किया जाए। ललित शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ललित, जरा एक बात बताइए, जो लोग वहां पर पहुंचे थे हाथों में बंदूक लेकर या जिन्होंने पुलिस पर हमला किया था, पुलिस वाले घायल हुए, क्या किसी पर केस दर्ज हुई है? ये तो रिहाई हो गई कोर्ट की तरफ से भी। देखिए, अगर हम पिछले कल की बात करें, जिस तरह से पूरा माहौल बना था और जो डंडे चले थे, तलवारें चले थी, उस पूरे मामले के ऊपर अभी पुलिस कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले के ऊपर है एक SIT का गठन जरूर कर दिया गया है। जब हमने SSP रूरल सत्येंद्र सिंह से बात की तो साफ तौर वो इस प्रश्न से कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आए। लेकिन फिलहाल अगर हम स्थिति की बात करें तो जरूर माहौल है यहाँ पर शांतिपूर्ण है, लेकिन तनाव अभी भी देखने को मिल रहा है। तस्वीर में आपको एक बार दिखा दूं कि लगभग 5 जिलों की पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, एंटी रॉयड पुलिस है उसको भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें, क्योंकि पुलिस की तरफ से ऑलरेडी जो एप्लीकेशन है वो कोर्ट में मूव कर दी गई है, और जो अमृतपाल सिंह के साथ ठीक है।